अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा। हमारे 7 दिन का यहाँ पे था मक्का में, तो वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए हैं और आज हम मदीना जा रहे हैं। बस के इंतज़ार में बैठे हैं बाहर, तो यहाँ से मदीना जाएंगे। तकरीबन 3.5-4 घंटे का सफ़र है। उसके बाद वहाँ होटल देखेंगे, अभी ये पता नहीं है, होटल का नाम पता है लेकिन ये पता नहीं है कहाँ पे है। तो उसके बाद होटल जाके कपड़े वगैरह बदलेंगे, नहाएंगे और उसके बाद फिर मस्जिद नबी भी चले जाएंगे, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद वापसी वहाँ 13 दिन के बाद वापसी यहाँ मक्का पे आना है, फिर मक्का से जद्दा जाना है और फिर पाकिस्तान चले जाना है। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हम मदीना के रास्ते के अंदर रुके हैं, क़ियामो त्याम है इधर। इधर उन्होंने रोका है हमें, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है ना, तो आधे घंटे के लिए अभी रुके हैं। यहाँ पे बारिश भी हुई है, पीछे आप देख सकते हैं कि बादल आए हुए हैं आसमान पे, और पहले से हमारे आने से पहले की बारिश हुई हुई है। अभी बादल ऊपर आए लेकिन बारिश स्टार्ट नहीं हुई और मौसम काफ़ी खुशगवार है इधर। तो इंशाल्लाह लग ऐसी रहा कि मदीना में भी जो है मौसम इस तरह का ही होगा। तो रात हम मदीना देव से पहुंचे थे, होटल में जाके सो गए थे। फिर अब सुबह हम उठे हैं, अभी नाश्ता किया है, नहाए धोए हैं, अब हम जा रहे हैं जी मदीना मस्जिद नबवी। तो ये बस पहुंचने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि एंट्रेंस कहाँ से है और आगे जाके मस्जिद नबवी कहाँ से शुरू होगी। साइड से मैं जा रहा हूँ, ये मेन इंट्रेंस है सामने और यहाँ से मस्जिद नबवी स्टार्ट हो रही है, जिसको हरम भी कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये है जी रोज़ा रसूल का वो दरवाज़ा है, एक नंबर इंटर होने वाला, और ये मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने वाले हरम है, और वो रोज़ा रसूल है। उससे पीछे जो है ना, जो आजकल इन्होंने अब ऐप शुरू कर दी है जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, बाहर से तो आप देख सकते हैं लेकिन अंदर जाने के लिए आपको आपके ऐप के साथ परमिट वगैरह लेना पड़ता है, फिर आपका स्पेसिफिक टाइम है, उस पर जाओ देख के आ जाओ। ये अब यहाँ से हम जा रहे हैं रोज़ा रसूल की तरफ, वो रास्ता जो आता है वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की तरफ जाता है और ये रोज़ा रसूल की तरफ जाता है। कल यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है रात, बहुत ज़्यादा, काफ़ी देर होती रह गई है और इसलिए आज धूप तेज़ है। गर्मी तो है और ये पत्थर भी काफ़ी गर्म है। इतना अमूमन उधर मक्का में नहीं है, यहाँ पे है पत्थर दूसरे वाला, ये गर्म होता है तो, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी नहीं है, सही है। और हम अब जा रहे हैं अंदर, तो ये हम इधर इंटर हो गए। ये पीछे मर्दों की बैठने की जगह, नमाज वगैरह पढ़ने की, नफल वगैरह पढ़ने की, और ये देखें कितनी खूबसूरत और प्यारी, ये गुंबद के नीचे की जगह है। और यहाँ पे जो खुशबू है ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और वहाँ पे काफ़ी रश है आगे, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो आए हुए हैं आज। तो वो सामने आप देख सकते हैं, ये है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से एक साइड से हम इंटर होंगे और दूसरी साइड से निकल जाएंगे।
अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। तो बस छोटा सा ही उन्होंने अब सर्कल बनाया हुआ है, बाकी जगह हर्डल लगाई हुई है साइड पे, इतना ज़्यादा रुकने भी नहीं देते और देखने भी नहीं देते। तो एक साइड से इंटर करते हैं और दूसरी साइड से बाहर आ जाते हैं। और जो ऐप का परमिट हमने लिया हुआ 2 मई का, और टाइम है उस पर आधे घंटे का टाइम होता है, 20 मिनट आपको अंदर बैठने के लिए देते हैं, उसके बाद फिर नफल वगैरह जो भी आपने इबादत वगैरह करनी होती है वो पढ़ो, उसके बाद जो है ना आपको बाहर वहाँ से निकाल देते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अंदर नमाज के लिए, बस जमात होने वाली है, अंदर जाते हैं मस्जिदों में बैठते हैं, सफ़ों में बैठते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ पे भी मक्का में भी मैंने शायद दिखाया होगा, नहीं ये पीछे पंखे देख रहे हैं ना आप तो लगे हुए, ये इससे तो हवा भी आती है और दूसरा ना इधर इससे वेट जो होता है ना वेपर्स पानी के वो आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है इसलिए यहाँ पे आके थोड़ी ठंडक महसूस होती है। कैमरे में शायद नज़र आए कि नहीं, ये पीछे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है जहाँ जहाँ ये लगे होते हैं। और अब हम अल हिजरा गेट से अंदर जा रहे हैं, गेट के नाम सारे लिखे होते हैं साइड कॉर्नर्स पे, अंदर हम जा रहे हैं, ये देखें देखें, अब हम जाके जगह ढूंढेंगे और फिर वहाँ जाके बैठ जाएंगे। अजान होने वाली है, पहले जाके नफल पढ़ते हैं उसके बाद फिर जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। वालेकुम। तो मस्जिद नबवी से जोहर की नमाज़ पढ़ के आगे थे हम अपने होटल में, अब हम जा रहे हैं मगरब की नमाज़ पढ़ने, असर की नमाज जो है रह गई, तो ऐसी होटल की आके रेस्ट किया, तो अब मगरब की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर रात को वापसी होगी। तो अब हम आ गए हैं होटल में, ठीक है नमाज वगैरह पढ़ ली है, खाना वगैरह ले आए हैं, तो बस यहाँ पे हमारा जो है आज का व्लॉग ख़त्म होगा। इंशाल्लाह कल को एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स वगैरह करो। अल्लाह हाफिज़।